नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि जिला जेल से सामने आ रही है, जहां पर जेल में बंद बंदी के साथ मारपीट हुई है। बताया जाता है कि नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के चरियाई मार्केट की जो शराब दुकान है, उसमें गोलीकांड हुआ था। उसके आरोपी शेरा खान, जो कि 5 साल की सजा काट रहे हैं, उनके साथ ये मारपीट हुई है, जिसके बाद शेरा खान को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। दमोह जिला अस्पताल में उनके एक्सरे कराए गए हैं, जिसमें फ्रैक्चर की बात सामने आ रही है। जेल के अधिकारियों के द्वारा उनका मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। संपूर्ण मामले में शेरा खान, जो कि जेल में बंद बंदी है, उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई है। चंदू सिंह के इशारे पर उनके साथ मारपीट की गई है। किस तरह से पूरा मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने शेरा खान उनके परिवार के लोगों से चर्चा की, तो उनके द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए। शेरा खान क्या हो गया आपको? देखो, चंदू सिंह के आदमी ने मुझे मारा। मैं जेल में 4 माह से बंद था। उनके कागज सुनता नहीं था कोई काम की उनकी। तो उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे बुलाकर अपने जगह को से पटवाया। धर्मू यादव, सुकेंद्र बिल्ला, धर्मेंद्र, किस वजह से मारा? उनको पता नहीं, रंजिश थी, जो भी रंजिश बुराई, उन्होंने कुछ नहीं बुलाया। उन्होंने सुबह से डायरेक्ट आके मानना चालू कर। जेल प्रशासन ने कोई मदद नहीं की आपको? उतने टाइम हमारे जेल अधीक्षक नहीं थे। सुबह 7 बजे की बात थी, जब हमारे जेल अधीक्षक नहीं थे। जब आए जेलर साहब ने बचाया और उनने कार्रवाई की। हमारा जानू नाम है और हमारा छोटा भाई शेरा, जो 5 साल की सजा में कैदी है बंदी के रूप में, उसमें कुछ विवाद हो गया जिससे मारा गया। तो उसमें से चंदू सिंह जो जेल में हैंगे, उनके द्वारा हमारे भाई के साथ मारपीट की गई है और उसकी जहाज एक्सरे के लिए ले आए गए हैं, जिससे कि उसके लिए चोटें आई हैं, जिसमें से उनके 2-3 लड़के जन साथ में थे जिन्होंने मारा है, जिसका नाम, एक का नाम सुरेंद्र पटेल है यहाँ और एक का नाम बिल्ला है। इन्होंने ज़्यादातर उसके लिए हाथ उठाया है। और इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि जेलर साहब जो उसके पुलिस वाले हैं, उनका हक है कि मारना पीटना, लेकिन वे भी एक आप सजा आबकारी बंदी है। वे लोग 84 हत्याकांड की, ये लोग जेल में दहा माड़ी मर जाए हैं। जोन भी आर्द हैं, उनके संग अधव्यवहार कर रहे हैं और उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं ये लोग खुद। और उसके इससे हमारे छोटे भाई शेरा के लिए उन्होंने मारा है। क्या चाहते हैं आप? हम इससे चाहते हैं हमारी कार्रवाई हो इनके ऊपर। क्या है उनका अधिकार थोड़ी है मारने का पीटने का? हमारे भाई के ऊपर अधिकार नहीं है उनका, हमारे जेलर साहब का अधिकार है। वो कार्रवाई करें जैसे आप या फिर यहाँ से ट्रांसफर करें। हर बार का नियम है, हम लोग भी कई बार देख चुके हैं, बहुत से जन शिकायत कर रहे हैं। हम लोग ने भी 1-2 बार देखा है कि इन लोग की बहुत ज़्यादा अंधा गुंडागिर्दी ही चल रही है हर प्रकार से, और कई प्रकार का सामान अंदर जा रहा आ रहा है, कोई रोकथाम नहीं हो रहा। इस मामले में जिला जेल के अधिकारियों का पक्ष लेने का प्रयास किया, लेकिन वह मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहते, न ही फोन रिसीव करना चाहते हैं, जिसके चलते जेल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आ सका है। लेकिन जेल में बंद बंदी का जो आरोप है, निश्चित रूप से ऐसे मामले की जांच की जानी चाहिए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।